जाना ना, इधर जाना है बेटा। टू बी एच के में आपको आपकी मिल्कियत के कागजात दिए जाएंगे। इस सिलसिले में कंप्यूटर के जरिए रैंडमाइजेशन होगा, जिसके जरिए से ये मालूम हो जाएगा कि इन फैजान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम जनाब महमूद अली साहब वज़ीर दाखला रियासत तेलंगाना, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के तमाम अराकीन बल्दिया, सदर मुतमदीन साबिका रुकन बल्दिया हैदराबाद, कलेक्टर के एडिशनल कलेक्टर साहब, इमारो मैडम साहब और हाउसिंग बोर्ड के तमाम जिम्मेदार अहदेदारान, मौजूद हाजरीन इकराम, मेरी सद्दा और माओ बहनों भैयो नौजवान साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह आज चंद्रायन गुट्टा असम्बली हल्के में सर्वे नंबर 82 और 83 में रुकन असम्बली मोहतरम जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी पर रियासत तेलंगाना ने यहाँ पर 2 BHK के हाउसिंग को मंजूर किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह 630 2 BHK में से आज 270 यहाँ पर मुकम्मल हुए हैं और 270 मुस्तहक गरीबों को जनाब महमूद अली साहब अपने हाथों से उनके घर के कागजात उनको देंगे और माँ बाकी जो 360 बच जाते हैं इंशाअल्लाह ताला वो 4 से 6 महीने के अंदर उन फ्लैट्स को पूरा मुकम्मल किया जाएगा और इंशाअल्लाह ताला उसमें भी ड्रॉ के ज़रिए ही मुस्तहक गरीब अफराद को वो 360 2 BHK उनको दिया जाएगा। तो जुमला ये 630 जो मकाना 2 BHK यहाँ पर तामीर हो रहे हैं उसकी लागत करीब 55 करोड़ है, जिसमें से 270 मुस्तहक गरीबों को आज दिया जाएगा। और मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हल्के असम्बली चंद्रायन गुट्टा में मुतालिका रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी पर जंगमेट के इलाके में भी 270 2 BHK पूरे मुकम्मल हो चुके हैं और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला ये असम्बली के इंतखाबात से पहले MLA साहब और महमूद अली साहब और KT रामाराव साहब अगर वक्त दिए तो आकर वहाँ पर भी ये 270 2 BHK गरीब और मुस्तहक अफराद को दिया जाएगा। वहाँ पर जो जंगमेट में 270 2 BHK मुकम्मल हुआ उसकी लागत करीब 23 करोड़ 50 लाख की है। और साथ ही साथ तीसरी बात ये आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि एक एक जो 2 BHK आज आपको दिया जा रहा है या 270 गरीबों को वो उसकी लागत 8.5 लाख की। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मुकामी कारपोरेटर्स जनाब मोहम्मद हफीज साहब, जनाब अब्दुलरहमान साहब, जनाब अब्दुल वहाब साहब, एडिशनल कलेक्टर जनाब मधुसूदन साहब, GHMC रूरल कमिश्नर जनाब वेंकन्ना साहब, RDO साहब वेंकटाचार्य साहब, RDO जनाब सूर्य प्रकाश साहब, तहसीलदार मोहतरमा जयमा साहब और इस महफिल में आए हुए मेरे बहनों और भाइयों और मीडिया के दोस्तों, आप जानते हैं चंद्रायन गुट्टे के अंदर डबल बेडरूम बनाए जा रहे हैं और टोटल जो है 630 डबल बेडरूम का काम चल रहा है, जिसमें 450 करीब कंप्लीट हो चुके हैं और आज 270 पर बोलते रहते हैं। बाद लोग समझते हैं कि अरे बहुत ज़ोर से बोल रहे हैं, पर हमारे CM साहब कहते हैं कि गरीबों की आवाज़ है, हमेशा ज़ोर से ही निकलती है, उनके मसाइल पर वो बताते रहते हैं और हमारे CM साहब अमल करते रहते हैं। तो आज यकीनन आप जानते हैं सर, 2014 के बाद के हालात, बहुत से वेलफेयर स्कीम आए,
और सबसे अहम बात यह है कि हैदराबाद और तेलंगाना में सबसे ज़्यादा अमन आए। आज इंडिया में नंबर वन सीएम है तो केसीआर साहब है, उसी तरह नंबर वन पुलिस है तो तेलंगाना पुलिस जो लैंड ऑर्डर कंट्रोल कर रही है। साबिका में लोगों ने एक दो साल नहीं 50 साल हुकूमत की, पर कभी भी हमें अमन नहीं दिया, हमें तरक्की नहीं दी। आज जो स्कीम चल रहे हैं 2014 के बाद वो स्कीम इंडिया में किसी स्टेट में नहीं है। अगर किसी स्टेट में है वो तेलंगाना स्टेट है, और अगर गंगा जमुना तहजीब है तो हमारे तेलंगाना स्टेट में है। हमारे सीएम साहब हमेशा एक ही बात कहते हैं तेलंगाना।